नमस्कार। आज की मेरी कहानी है खरीदी हुई दुआ, जो लिखी है अन सागर ने, एडिट की है मैंने और सुना भी मैं ही रहा हूँ आपका गगन कोहली। हर रोज की तरह राज आज भी अपनी किराने की दुकान पर दोपहर में बैठा, काम मंदा होने के कारण मोबाइल की फेसबुक की दीवार को अपने बाएं हाथ के अंगूठे से खिसकाए जा रहा था। कभी कुछ पढ़ता तो मुस्कान बड़ी कर लेता, कभी कुछ पढ़ता तो मुस्कान फिर से थोड़ी छोटी कर लेता। इसी बीच एक पुरानी मडमैली साड़ी पहने एक बुढ़िया आती है और बोलती है, ओ बेटा। न जाने उस आवाज का कितना अंदाजा था राज को कि उसका बायां हाथ अपने आप उस स्टील की कटोरी की तरफ बढ़ चलता है जिसमें कुछ खुले पैसे रखे रहते हैं। उस कटोरी से एक सिक्का बिना देखे राज उस बुढ़िया के हाथ में पकड़ा देता। वो सिक्का हाथ में देखते ही बुढ़िया झटपटा कर कहती है, महंगाई का अंदाजा है तुम्हें? आज 50 पैसे का आता ही क्या है? वो सिक्का राज के हाथ में थमाकर बुढ़िया कहती है, इसे भी तुम ही रख लो, शायद तुम्हारे कहीं काम आ जाएगा। ये कहते ही बुढ़िया अपनी लाठी और एक थैले के साथ अगली दुकान की तरफ बढ़ चलती है। अगली दुकान जो कि रमेश चाचा की थी, वो पान की दुकान के बाहर जाकर फिर से कहती है, ओ बेटा। रमेश चाचा अपने गले में से निकालकर वो 2 रुपए का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में पकड़ा देते। इस बार बुढ़िया दोनों हाथ जोड़कर कहती है, फूलो फलो, तरक्की दे परमात्मा तुम्हें, तुम्हारे धंधे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, लंबी उम्र करे तुम्हारी। ये सुनते ही राज छटपटा सा जाता है। ये चीज उसे अंदर से झंझोड़ देती है, मोबाइल से ध्यान तो अब कब का हट चुका था। राज मन ही मन सोचता है, क्या मैं 1 रुपया और 50 पैसे और देकर ये दुआएं नहीं खरीद सकता था? सोचिएगा, खरीदी हुई दुआ। आपका गगन कोहली एक सोच है। शुक्रिया। ये दौलत, इश्क, रूह, दुआएं, जज्बात सब खरीद लेती है। क्या खरीदेंगे आप? सोचिएगा, एक सोच है।